नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। मैं शिल्पी त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत। विधायक जी अपने क्षेत्र से पहली बार विधायक रह चुके हैं और ये 10,300 वोटों से जीते हैं। विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे, जो आज के समय में जो ग्राम पंचायत की स्थितियाँ हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ग्राम पंचायत की स्थितियाँ पहले हुआ करती थी वही आज भी हैं। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन उन गाँव के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है और खासकर जब से हमारी सरकार आई है 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, गांव का जो विकास का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है वो अगर पहले की सरकारों ने उस तरह का कोई विकास का लक्ष्य रखा होता और ध्यान दिया होता तो आज गांव शहरों के बराबर होते। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गांव में जो सबसे गरीब आदमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय का जो लक्ष्य था कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए और वो लक्ष्य मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। जिसके घर में ठीक से खाने को नहीं है आज उसके घर में गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इसी तरह से जिस गरीब के घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, रहने के लिए ठीक से छप्पर भी नहीं बना था, उसको उस घर को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर मोदी जी ने देने का काम किया है। ये दो योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इतनी सफलता से चला रहे हैं मोदी जी कि गांव का जो विकास है वो अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। विधायक जी, जैसे कि आपने कहा कि गांव का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है, जहां तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर गांव में जो स्कूल हैं उनमें बच्चे जो हैं जमीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं और वहां के जो स्कूल है उसमें टीचर भी नहीं है, तो ऐसे में आप इस पर आप क्या कहेंगे? गाँव में स्कूलों की स्थिति थोड़ी दयनीय है, ये सही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जितनी आवश्यकता शिक्षकों की है उतने शिक्षक उपलब्ध होंगे, क्योंकि हमारी सरकार इस ओर लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। पीछे की सरकारों ने शिक्षकों की भर्तियां नहीं की इसलिए शिक्षकों की कमी हो गई और जो बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने की बात जहां तक है, मैं कहना चाहता हूं आपको कि मेरी सरकार ने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था कर दी है। ये व्यवस्था धीरे धीरे प्राइमरी स्तर तक भी पहुंच जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। देखिए, जो गांव में जो अस्पताल होते हैं चिकित्सक नहीं है और उसमें साफ सफाई भी नहीं है, इसका कारण क्या है? अस्पताल की व्यवस्था भी हमारी सरकार सुदृढ़ कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से ये तय किया गया है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे डॉक्टर भले न पहुंचे लेकिन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो ब्लॉक स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें पूरी तरह से डॉक्टरों की व्यवस्था हो और वहाँ पे मरीजों का संपूर्ण इलाज हो सके, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और इस क्रम में चिकित्सकों की भर्ती भी की जा रही है। आपके हिसाब से कि गांव के जो जनता है वो देश को उन्नत बनाने में क्या योगदान दे सकती है, इस पर आप कुछ कहेंगे? गांव की जनता का भी देश को उन्नत करने में सहयोग है और गांव में जो भारत का मुख्य व्यवसाय है कृषि, खेती करने वाले लोग अधिकतर गांव में रह रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी कृषि की फसल अच्छी होती है तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद अच्छा होता है, इसलिए गांव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है
देश के विकास में, उन्नत में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो क्या देश मतलब गांव में जो आप बता रहे हैं, क्या गांव का विकास हो रहा है, या स्कूलों के जो टीचर वो उनकी जो भर्तियां हैं, जो गांव में जो चिकित्सक ने उसकी जो पूर्ति है वो कब तक हो जाएगी? इस पर कुछ दिक्कतें हैं उसमें। शिक्षकों की भर्ती तो हाईकोर्ट के निर्देश पे हो रही है, जैसा जैसा डायरेक्शन हाईकोर्ट से मिलता जाता है वैसे वैसे हमारी सरकार काम कर रही है। और चिकित्सकों की भर्ती जो है वो भी धीरे धीरे हो रही है, हमारी सरकार चिकित्सकों की भर्ती भी करने जा रही है। जो गांव के में जो किसान हैं उनकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है, तो गांव के जो किसान हैं उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, क्या सोच रही है उनके लिए कि उनका विकास हो सके? गांव के किसान के विकास के लिए हमारी सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा है, आदरणीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जो किसानों की आय है वो दुगनी कर दी जाएगी। और उसके लिए हमारा कृषि विभाग और उससे संबंधित सभी अन्य विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और किसान की खेती में लागत कम हो जाए और उसकी पैदावार का मूल्य उसको ज़्यादा मिले, ऐसी व्यवस्था करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सरकार बनने के टाइम पे वादा किया गया था कि हर जो बेरोजगार इंसान है उसको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इसमें अभी तक कोई वास्तविकता देखने को नहीं मिली और रोजगार आज भी कहीं नहीं है, इसका क्या कारण है? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट की है, इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है। और आप जानते हो जब विदेशी पूंजी आएगी, उद्योग लगेंगे उत्तर प्रदेश में, तो रोजगार का सृजन होगा और जो बेरोजगारी है वो दूर करने में मदद मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाया है और वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, एक ज़िले से एक उत्पाद हमारा जो है वो निकाला जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए जिससे कि उसमें रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सके। आपके हिसाब से ग्राम पंचायत क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। और जो हमारा प्राचीन काल से आदिकाल से चला आ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है उसी तरह से ग्राम पंचायत गांव की सरकार होती है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गांव के विकास में। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थे सीतापुर से भाजपा विधायक, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आगे भी हम आपको अन्य जन प्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए ABPS न्यूज़ में इतना ही, नमस्कार।